हाय दोस्तों, मैं मिसेज वीना उपल आपका शुगर ग्रैनी शो में स्वागत करती हूँ। मैं आपको कुछ आज हेल्थ टिप्स देने जा रही हूँ जो हेल्थ से संबंधित हैं और किचन से संबंधित हैं। ये सब अब जैसे सब्जियाँ आजकल कोरोना के चलते हुए सब्जियों का सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। आपने क्या करना है, सबसे पहले सब्जी ला के इसको घंटे के लिए, एक घंटे के लिए ऐसे पानी में डिप रखनी है। आप कोई बड़े वाली बकेट ले लेना, हम तो इसी में ही कर लेते हैं, आप इसमें कर लो। इसमें क्या करना है, हमने एक चम्मच नमक डालेंगे, सिंपल नमक जो आप घर में यूज करते हो। और ये हमने सिरका, विनेगर, सिरका भी कहते हैं जो खाने वाला होता है, एप्पल वाला। और इसको एक ढक्कन हमने सब्जियों में, ये देखो एक ढक्कन हमने इसमें डालना है। और इसमें इसको अच्छी तरह वो कर लो, भिगो लो। ये देखो इससे आपकी सब्जियाँ, ये सारे जो कीटाणु वगैरह हैं सब नष्ट हो जाएंगे। और इसको एक घंटा इसी में पड़ा रहने दो ऐसे। और देखो प्याज और आलू को तो हम ऐसे नहीं कर सकते, भिगो नहीं सकते। आलू का ऐसे है, अगर आप धोते हो तो इसके बाद, क्योंकि आजकल फ्रिज में से निकले हुए आलू होते हैं, फ्रीजर के आते हैं, अगर आलू को आप वो करते हो धोते हो तो इसको फ्रिज में स्टोर करना, फ्रिज में रखना। लेकिन आप ऐसे करना, इसको धूप में छोड़ दो, धूप में खुला छोड़ दो आलू को और प्याज को। धूप लग जाएगी, एक घंटा दो घंटे वो धूप में पड़े रहने दो, इससे इसके कीटाणु मर जाएंगे। हल्दी, साबुत हल्दी, ये देखो साबुत हल्दी। अब इसको मेन किचन में इसका काम होता है, कहीं चोट लग जाए तब भी इसको लगाने का कब हो जाता है। और इसको दूध में डाल के भी पीने के काम आती है, एंटी एलर्जिक होती है ये। इसको हम घर में फ्राई करते हैं, फ्राई करके इसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल डालना है, थोड़ा सा तेल बिल्कुल, ये देखो एक चम्मच तेल होगा। अब इसमें ये तेल गर्म हो जाता है और मैं हल्दी इसमें छोड़ूंगी। इसको फ्राई करके आप, इससे इतना अच्छा रंग आता है। और कभी हल्दी जाए साल पड़ी रहे, हल्दी खराब भी नहीं होगी। और वैसे हम मार्केट की लेते हैं वो कच्ची कच्ची हल्दी होती है, वो खराब भी जल्दी हो जाती है, ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। तेल ये गर्म हो चुका है, अब ये इसको मैं इसमें डाल दूंगी। तेज कर दिया आग मैंने, अब ये ऐसे ऐसे इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, 5-7 मिनट। अब ये फ्राई हो चुकी है, 5 मिनट ही आपने इसको वो करना है। अब इसकी गैस मैंने बंद कर दी है, अब ठंडी होने पे इसको पॉलीथिन में डाल लूंगी। और इसको आप ये नहीं, घर में पीसना तो ये बहुत मुश्किल है। इसको चक्की वाला सिर्फ 1 किलो के 20 रुपए ही लेता है, इसको हम सामने पिसवा के ले आएंगे। अब ये हल्दी इतना, इससे सब्जी का कलर भी इतना अच्छा आएगा और आप हमेशा यूज करोगे, आप कहोगे क्या अच्छा टिप्स दिया है। हैंड सैनिटाइजर नंबर 3 पे है। अब इसको आपको मैं बता रही हूँ, ये अपना ध्यान से सुनना, इसको कभी भी लगाने के बाद आप किचन में आग जल रही हो वहां नहीं जाना, आप जोत जल रही है तो वहां भी नहीं जाना, ये आग पकड़ लेता है। और ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपने लगाने के बाद जहां आग जल रही हो वहां नहीं जाना। और एक बेगोन वगैरह स्प्रे करते हैं, वो भी स्प्रे नहीं करना जब आग जल रही हो घर में, चाहे जोत भी जल रही हो, वो भी बहुत जल्दी आग पकड़ता है। नेक्स्ट टिप मेरा है अदरक और लहसुन पे। अब गर्मी है, लोग कहते हैं लहसुन अदरक नहीं खाना चाहिए, जबकि ये एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, इंफ्लामेटरी है, सारा कुछ है। इसको आप जरूर यूज करो। और ये तो कैंसर कुंसर के रोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है लहसुन, और बीपी वगैरह को भी लो करता है। अगर खाली पेट सुबह एक आधी कली खा लो तो इतनी सी, ये देखो ये लोगे तो इससे बीपी वगैरह भी आपका कंट्रोल में रहेगा। और आजकल जैसे ये चल रहा है कोरोना वगैरह, उसमें भी ये अदरक और लहसुन बहुत फायदेमंद है। ये नहीं कि मेरी कंपनी है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आप लोगों के लिए कह रही हूँ लहसुन अदरक खाना बहुत ही जरूरी है। एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, सब
सब कुछ इसमें है और ये एक तरह से मेडिसन है, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मैंने आपको बताया कि बीपी ये नॉर्मल करता है, किन किन को लेना है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये किन किन को नहीं लेना लहसुन, जैसे प्रेगनेंसी में ये गर्म होते हैं तो प्रेगनेंसी जिनको हो उनको नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और जिनकी सर्जरी होनी हो उनको भी ये नहीं लेना, क्योंकि ये ब्लड को पतला करता है, इससे बीटीसीटी ज्यादा हो जाएगी, ब्लड क्लोटिंग भी टाइम वो हो जाएगा और बीटी ब्लड इंटरनली ब्लीडिंग होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, उनको नहीं लेना ये। और थर्ड ये है कि आप जिनका बीपी लो हो उनको नहीं लेना, ये उससे ब्लड को और डाउन करेगा, इस करके उनको नहीं लेना ये जिनका बीपी लो होता है। टिप मेरा है तिल के तेल पे, ये तिल का तेल जोड़ों जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। ये देखो मैंने बनाकर रखा हुआ है, आप इतना सा तेल ले लेना, इतना सा तेल लेना तिल का, और ये 2 चम्मच ये अजवाइन डालना, साबुत अजवाइन है, 2 चम्मच जो बड़े वाले वो चम्मच होते हैं वो वाला टेबलस्पून, और ये इतना सा डालना आप लहसुन, ये देखो इतना सा लहसुन डाल के कढ़ाई में, जो पुरानी कढ़ाई हो उसमें डाल के अच्छी तरह इसको गर्म कर लेना, उबलता रहे बहुत वो हो जाएगा, ये जल जाएंगे लहसुन अजवाइन वगैरह जल जाएगा। इसके बाद वो उसको नीचे रख लेना, ठंडा होने के बाद इसको डिब्बी में भर के रख लेना, और ये आप ज्वाइंट पे लगाना घुटनों घुटनों पे, और आपके बहुत फायदेमंद होगा। सर्दियों में तो ये बहुत ही फायदेमंद है। अब आजकल गर्मी है, हल्का सा वो करना अगर आपको दर्द होती है, और उसके बाद आप नी कैप पहन लेना और आपका ये घुटने वगैरह दर्द ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप मेरा है ये एलोवेरा तेल। इसके लिए मैंने जो आप तेल यूज करते हो सिर पे लगाने के लिए, मैं ये आंवले का यूज करती हूँ, आंवले का तेल, और ये मैंने लिया है एलोवेरा। इसको मैं वो कर लूंगी, एक्चुअली मेरा ये खत्म भी हो गया पड़ा, मैंने बनाना था, और ये इसमें इसको कट करके इसको कढ़ाई में इसकी जेल निकाल के इसका ऐसे, ये देखो इसका ये पर्स से उतार लेना, ये सर। अब इसको ये ऐसे इसकी जेल ले लेना, चक्कू से आपको ज्यादा बेटर लग रहा है तो चक्कू से ले लेना, ये देख ऐसे ये मेरा खत्म हो रहा था, मैंने बनाना भी था, चलो आपको बता भी देती हूँ, और ये दोनों काम हो जाएंगे मेरे, ये इस अगर छिलका भी चला जाता थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ये मैं तेल डाल रही हूँ, ये मेरे पास जेल कम ही है और इस करके मैं तेल इतना ही डाला मैंने। ये अच्छी तरह हो जाएगा और जल जाए थोड़ा सा, और फिर इसमें ठंडा होने के बाद हम उसमें डाल लेंगे। और इसके छिलके हैं ये फेस पे लगाने, हाथों पे लगाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इतना ग्लो आएगा। आजकल जैसे बंद है पार्लर पुर्लर सब, और आप इसको वो करो यूज करो और बहुत ही फायदेमंद है, और फेस पे भी अप्लाई करो इसको। एलोवेरा की मैं मेडिसन पेट दर्द वगैरह के लिए, हाजमे के लिए टेबलेट वगैरह या चूर्ण वगैरह मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। ये तेल मेरा तैयार हो चुका है एलोवेरा वाला, अब इसको मैं छलनी कर लूंगी, चाहे आप कपड़े से छलनी कर लो या ये छलनी से करो, और ठंडा होने के बाद फिलहाल तो मैंने इसमें कटोरी में डाला है, ठंडा होने के बाद आप उसमें बोतल में तैयार करके रख लेना, और ये कई टाइम खराब नहीं होगा, बिल्कुल खराब नहीं होना इसने। मेरा है नारियल का तेल और प्लस कपूर, कपूर जो जलाने वाली कपूर होती है ना,
वो लेनी है आपने, एक दो टिक्की ले लो और थोड़ा सा नारियल का तेल लो। ये एलर्जी के लिए बहुत ही अच्छा है, आपको जैसे खुजली खार खुजली वगैरह कुछ हो जाती है तो आप नारियल के तेल में कपूर थोड़ा सा मिलाओ और उसको मिक्स कर लो या उसको पीस के उसमें डाल दो, तो ये आपको बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदा करेगा। और सरसों का तेल आप पानी में मिला के एलर्जी पे लगाओ, जैसे चपाकी चुपकी हो जाती है, और आपको वो बहुत फायदा करेगा। नेक्स्ट टिप मेरा है, आपको कहीं वुंड वगैरह होता है जैसे जख्म है आपका नहीं भर रहा, इतना एंटीबॉडी खाने से फर्क नहीं पड़ेगा जितना जख्म पे डालने पे होएगा। आप हल्का सा उस पे बोरोलिन वगैरह लगाओ और उस पे वो एक्सपायरी पे कैप्सूल है वो तब भी काम कर जाएंगे, आप उसके वुंड के ऊपर डालो, आपका वुंड बहुत जल्दी भर जाएगा। नेक्स्ट टिप मेरा है ये कड़ी पत्ता, ये मैंने लिया कड़ी पत्ता धो के अच्छी तरह, इसको हल्का सा ये पंखे में सुखा लिया, ये देखो अब इसको मैं फ्राई करूंगी। ये बूंदी वगैरह में डालो, ये तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब ये देखो इसको उसके अंदर डालने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही अब ये फ्राई हो जाएगा। अब ये इतना टेस्टी लगता है बूंदी में, अब की बार हमारी बूंदी आई है, वैसे ये डला हुआ होता है नहीं आया, तो मैं इसलिए आपको ये डालना सिखा रही बता रही हूँ। और ये तेल में डाल के बालों में लगाओ, ये तब भी बहुत अच्छा होता है, ये देखो अब ये फ्राई हो जाएगा। ये कड़ी पत्ता बन के तैयार हो गया, ये देखो क्रंची क्रंची, अब ये बाद में ऐसे ही मैश करिए, देखो ऐसे ही मैश हो जाएंगे। और फिर इसको बूंदी में डाल दो, फीकी बूंदी जो होती है, और हल्का सा नमक कोई लेता है नहीं लेता है, नमक डालना हो तो डाल लेना, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट टिप मेरा है हाई ब्लड प्रेशर में आप ये लहसुन सुबह खाली पेट ये दो कलियां लो, क्योंकि आजकल चलो गर्मी है तो दो कलियां कोई ज्यादा नहीं है, और ये इससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा और बीपी नॉर्मल होगा। नेक्स्ट टिप मेरा है कि कुछ ब्यूटी पे भी कुछ छोड़ा जाना चाहिए। अब इसके लिए ये देखो आजकल ब्यूटी पार्लर बंद है, मैंने ये संतरे तो खा लिए और संतरों के बीज मैंने उगाने बता दिए थे आपको, उसके मेरे पौधे निकल आए हैं सब, और उसका जो छिलका है उसको धूप में अच्छी तरह सुखा के जब वो बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई हो गए तो उनका ये पाउडर बना लिया मैंने, ये देखो ये पाउडर बना के मैंने डिब्बी भर के रखी हुई है। इसको आधा चम्मच आप ये लो, अगर ड्राई स्किन है तो थोड़ी हल्दी डाल लो और थोड़ा सा इसमें मलाई वगैरह हल्की सी अप्लाई कर लो, और ये गुलाब जल डाल लो, थोड़ा दो चार बूंदे गुलाब जल की डाल के इसका पेस्ट बना के आप लगाओ फेस पे, इतना ग्लो आएगा और हाथ पैर वगैरह भी सब साफ हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप मेरा है देखो ब्यूटी पे भी कुछ थोड़ा बहुत बता दिया मैंने, हेल्थ पे बता दिया, किचन टिप्स बता दिए, अब थोड़ा पूजा पाठ के लिए हो जाए। देखो जोत वगैरह ये देखो डेली जो जोत बनाते हैं आप, ये खड़ी जोत रहती है डेली बनाते हैं यूज में, इसमें हल्का सा दूध ले लो, ये देखो, और दूध से इसको वो करना है, ये देखो ये डेली यूज की तो मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसे हल्का सा हाथ लो, ये हल्की सी कॉटन ली, ये ऐसे, फिर मैं आपको ये जोत बड़ी बनाना बताऊंगी, जो नवरात्रे वगैरह होते हैं पूरा हफ्ता जोत जलती है, हमारे को बार बार वो चेंज करनी पड़ती है, उसकी जोत ऊपर खींचनी पड़ती है, लेकिन इसमें हमारे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, तेल डाल के इकट्ठा घी डाल के हम रख देंगे, पूरा हफ्ता वो जोत हमारी चलती रहेगी, ये देखो ये हमारी ऐसे हो जाती है, ये अभी तो थोड़ी गीली है, और ये देखो ऐसे ये घी लगा के ऐसे खड़ी रहेगी जोत हमारी, बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल नीचे नहीं गिरती और आराम से चलती है। अब उसके लिए जो पूरा हफ्ता हमने चलानी है जोत को, माता की जोत जलाते हैं, ये देखो ये इतनी कॉटन ले लो, अब इसका ऐसे चार कोने निकालने हैं, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ऐसे करके निकालते जाएंगे और इसको ये सिलबटे देते जाएंगे, ऐसे खींच खींच के ऐसे। अब ये देखो ये ऐसे ये निकल रहे, अब इसको ये कोना एक ये निकाल दिया, ऐसे ये चारों कोने मैंने निकाल दिए हैं, ये अब देखो ये इन दोनों को आपस में मिला लो, ये देखो
अब ये दो कोने आपस में मिला दिए, अब इसको ऐसे ये देखो, ये ऐसे होगी। अब इधर की ऐसे हमने ये चारों कर रखे हैं कोने, ये देखो ऐसे ये होगी। ऐसे अच्छी तरह लपेटा मार लिया इसको, और इसको ये वाला भी आपने लपेटा मार रखा है, ये देखो। अब इन दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे, दो इधर हैं, दो ऊपरली साइड में, ये देखो। अब इन ये देखो ऐसे हम बराबर लेके इसको, ये देखो ये तैयार हो गई है। और इसमें ये ऐसा एक नट ले लेना, ये आसानी से आपको मिल जाएगा, ये नट जो होते हैं दरवाजे दरूजों में लगे होते हैं। अब इस तरह इसको डाल के ये ऐसे, ये कोई बड़ा बर्तन लेना खुला, ऐसे ही इतना ही ऐसे, ताकि पूरा हफ्ता हमारे चलते रहे, इसमें तेल ही हम चेंज करते रहेंगे। ये देखो ये जोत हमारी खड़ी ही खड़ी रहेगी, बिल्कुल भी हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। इसको घी डाल लेंगे और ये जलाने में बहुत ही आसानी होगी। आप कहोगे क्या ये अच्छी चीज़ बताई है। अब आपको ये मेरे टिप्स कैसे लगे हैं? अगर आपको मेरे ये टिप्स में से 5-4 भी काम के आते हैं तो मैं सोचूंगी मेरी मेहनत कामयाब हुई है। अब आपको ये टिप्स कैसे लगे हैं तो आप मेरे को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, थैंक यू।